हमके जैसे मालूम भाई कि विजय के कुछ लोगों ने घायल कर दिए, हमने तो पांव तले जमीन ही खिसक गई। अगर खून से लथपथ कपड़ा देख के था हम पर भी बिजली गिर पड़ी रही, लेकिन अभी पहले से ठीक हो। डॉक्टर देख के गईलन है, जा समय कहलन कि जख्म जल्दी भर जाए। अच्छा, आप फिक्र ना करें। विजय के देख के तो हमके थोड़ी तसल्ली हो गई। थोड़ी का जलपान तो कर लें। समधन जी, आप तो जानत हैं कि बेटी के घर का हम पानी भी ना पी सकते। पी लें, पी लें। खाद बादाम डारी के दूध बनावल बा विजय के लिए, तनी चख के देखी। जमाना तो तेजी से जरूर बदलत बा, लेकिन हम पुराने पीढ़ी के लोग हैं। दरअसल बिटिया के शादी से पहले हमके होकी ससुराल के आंगन में पांव भी ना रखे के चाहे, लेकिन विजय की हालत आंखी से देखे चलिए रही। बुरा होए और दुश्मन के जे धोखा से वार कैलस। बस एक बार हमार विजय ठीक हो जाए, फिर देखा तो उस सब के। अच्छा हरीश बाबू, हम चल रहे। अब ये घर से हमेशा हमेशा के लिए हमार दाना पानी उठ गई। हमार भैया रहते तो इतना दुर्गति हमार ना ही हो। बुआ जी, तू तो नाहक नाराज होए के जात रहल बाटू। आज विजय के ससुर जी और पंडित जी के बुलवाए के दिन पक्का करत बाटे। बुआ जी, तू सदिया तक तो रुक जा तू। अरे चिकनी चुपड़ी बतिया, ऊ हरिश्वा जोरू के गुलाम हो ना, ओके सुनावा। और ऊ कलयुगी विजय, ओकरे लिए तो हम कभी ना रुकबे। विजय तोरे बिटवा के समान हो, ओह की गलती के लिए हम तोह से माफी मांगत हैं। तू विजय के शादी तक जरूर रुक जा। हम विजय के भैया से कहबे, वो खुद तोह के बनारस छोड़ आई हैं। और सुना, हम के बनारस छोड़ आई हैं। यहाँ स्टेशन तक केहू जाए के तैयार नहीं खे, बनारस छोड़ आई हैं। अरे का हो बुआ, का सचमुच जात बाड़ू? नहीं तो के दिखावे के लिए बोरिया बिस्तर बंधले बाटी, समझे? अरे हाँ बुआ, ई हो ठीक बा। अरे रामू, जल्दी बुआ के ले जा, कहीं अजुआ गाड़ी न छूट जाए। अरे नाच पीटे, काहे जाते जाते हमारी जान जरावत बटे। एक बात कान खुल के सुन ले, हम साध्वी हैं, हमरी बदुआ मत ले, समझ ले? हाँ, देख हम जात बाटी। अरे छोड़ दे आज हम। अरे बुआ जी, अरे छोड़ दे, हमरा बात नहीं जानत बाटी। बुआ जी, छोड़ हमरी बात के, देखावा मत ही करा। गैलिन, तू अपने सरारा से बाज नहीं आई बना, बड़ों के दुआ लेवे के चाहिए, अरे बद्दुआ नहीं। भाभी भाभी दुखात बा। अरे छोड़ो भाभी, देखो कनवा निकल जाई। शाबाश मिर्ची, शाबाश भाई, मान गई तो के इले अपन इनाम। इले ठाकुर साहब, आपके दुश्मन नंबर एक पूरी तरह बेहोश होए के आपके कदमों में पड़ल बा, अब एके जिंदा ही हवेली के पीछे दफना दें। बेवकूफ मुखिया, एके मार दिले और दफना दिले से सीधा इल्जाम हमरे ऊपर ही आई। काहे के सारी दुनिया जानत हो कि विजय ठाकुर का दुश्मन हम ही बाटी। अब तो एक करे इलाज कुछ ऐसन करे के होई कि सपुआ मरी जाए और लठियो भी ना टूटे। ये बात तो ठीक कहला मुखिया, उठाओ एके। दीदी, तू हमरा के बुलावलू? हाँ सज्जू भैया, हड्डी लगावे के खातिर सब औरत आई गई, लेकिन विजय का कुछ पता नहीं। सुबह बाहर जात समय हम कहले भी रहली कि जल्दी वापस लौट के आई हो, पर ये लड़का कभी कहूँ कि सुने तब ना। दीदी, विजय बाबू तो खरिहान से 12 एक बजे ही लौट आईलन। बाहर बैठक में हमने भैया जी से पूछा कि कहीं ऊ तो नहीं ना कहीं भेजले बाड़न। ठीक बा, हम अभी ये पूछ के आवत बाटी। सुना, रत्ना और पारा भी अभी तक नहीं पहुँच लीन। हम जब घर से निकली तो वो सब तैयार होत रहलिन, अभी आए रहल हुई हैं। पता नहीं काहे आज सुबह से हमरा मन बहुत बैठल जात बा। हे दुर्गा माता, कुशल मंगल से सारे काज पूरा करें। We'll be right back.
हराम खोर पिल्ला के रेत पर। अब जब तक एके होश आई शादी का मुहूर्त निकल चुकल हुई। ना ही वक्त पर घरे जाई और ना ही शादी हो पाई। ये बात के पीछे लगा दो। लेकिन ठाकुर साहब, यहाँ विजय का वफादार नौकर करण भी रहता हो, अगर वो यहाँ आ गई तो बचना मुश्किल हो जाए। वारे हमार माटी के शेर, लागत है डर से छाती फाट दिया। अरे वो आई तो वो के भी मौत का दिन सुलाई दो। और विजय के जिंदा छोड़ दी हल्का उचित रही ठाकुर साहब? हाँ मुखिया, ये लौंडा और एक का भाई अपने आप के बड़ा 30 मार खा समझत रहे। अब हम चाहत हैं ये अपने चतुराई का तमाशा अपने आंखन से देखें। अब मास्टर दीनानाथ जब एक के शराब के नशे में धुत दिखे हैं तो सारे गांव में कोहराम मच जाई। अरे भैया, मास्टर दीनानाथ से कहवे भैया कि यही मंडप में अपने बिटिया की शादी ठाकुर युद्धवीर से कर दा भैया, वरना जिंदगी भर कुहारे बैठे के परे भैया। कसम उतरे के धार की भैया, कसम उतरे के धार की। बिल्कुल ठीक, समझदार आदमी हमेशा गरम लोहा पर ही चोट मारे ले। हम मास्टर दीनानाथ के इतना मजबूर कर देवे कि ठाकुर साहब के ही अपन दामाद बना ली है। सुरजीत तू यही रुका और आस पास के खबर हमके देत रहे, ठीक बा ठाकुर साहब? मंदिर में फूल का टोकरी भिजवा दी हले? हाँ मालकिन भिजवा दिए हैं। और वो मिठाई का टोकरा विजय के कमरे में रख ले का? हाँ वो अभी रखवा देते हैं। जल्दी रखवा दी। ठकुराई तो बहुत घमंड रहला कि तो आज चले तो अनबा, तो पता है शादी के दिन का गुल खिलावत बा? का कर रहल बा? अरे बारो के साथ रंग रलिया मनाल रहल बा। थप्पड़ हमके नहीं, वो के मारा। अगर ये बात झूठ निकलना ना तो तोके जिंदा जलाई देवे। जलाई दिया, चला दिखाई तोके। चला ठाकुर हरिश्चंद आई गल दिमाग ठिकाने पर? अरे तू तो बड़ी मान मर्यादा के बात करत रहला। देख लेला आज तुहार एक गंदे खूने तो के का रंग दिखाई देलस। बड़ा नाज रहले तो अपने अय्याश भाई पर, चल रहला मास्टर दीनानाथ के बेटी के घर के बहू बनावे। अब बजावा बाजा, लावा हाथी घोड़ा, आज हम भी तोरे भाई के बारात में शामिल हो। हम अभी तक हकीकत नहीं जानत पाते। अगर हमार भाई कुछ भी गलत किए होए तो हम ओके सबके सामने गोली मार देवे। ये गांव के इज्जत के सवाल है। अरे चला चला, बड़ा इल हुआ गांव के इज्जत का ख्याल रखे वाला। आज तोहरे जगह क्यों और हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरत।
आज तुम्हारे परिवार ने गंदे खून का असली परिचय दे दिया। बकवास बंद कर युद्धवीर सिंह, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखा कि तू कौन हवा। ठाकुर ज्वाला सिंह के रखेल का हरामी बेटा। अरे सूप बोले तो ठीक, चलनी भी बोले जयमा 972 छेद। अभी का भूलल नहीं बा कि तू अपने भाई के कत्ल के जुर्म मां उम्र कैद की सजा काट के आयो है। अरे हरे चंद्र, आज तू कुछ भी बुरा भला कहिया, आज सारा गांव हमारे साथ बा। आज विजय और तू यहां से बच के ना जा पाई बा। गांव वालों, ये फार्म में आग लगा दो ताकि विजय जैसे पापी में जल के राख हो जाए, और अगर हमें क्यों रुकावट डालने की कोशिश करे तो के भी यही आग में डाल दो। मालिक, यहाँ हराम खोर यही का आदमी लखोर मुखिया विजय के शराब पियो ले रहे और यहाँ डाल गए ने, यह असली अपराधी हो। हट नो। खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। हवलदार, गिरफ्तार कर लो सबको। अरेस्ट टीम। बहुत हो गए नाटक, बहुत नाटक हो गए। मत छुआ हमरे बेटी के हत्यारा, मत छुआ। तू तो हमें बर्बाद कर दिया। कहां बाटिन ठाकुराई, कहां बाटिन तारा देवी। अरे तू तो हमसे वादा कर ले रहा ना कि विजय अब सुधर गए हो। कहा का अरमान हमरे दिल में रहल, हमार बिटिया दुल्हन बनी, चहनाई बाजी डोली उठी, सब कुछ खत्म हो गए ठाकुर, सब कुछ खत्म हो गए। हमरे बिटिया के वापस लाए दे ठाकुर, हमरे बिटिया के वापस लाए के दे ठाकुर। मुंह लटकाए के काहे खड़ा बाटा ठाकुर, हमरे बिटिया के लाए के दे दे। बाबूजी, बाबूजी, हमार मुंह काला करके का देखत बाटे। जा जा, दबाओ जाए यहां से। आज से हम समझ गए कि हमारा कोनो भाई नहीं रहा, हमारा भाई मर गया। तू मर गया हमारा खाते, जा यहां से। भाभी, भाभी माँ, जा काहे नहीं, जा हमरे नजर से दूर हो जा। याद रखिया, आप अगर मनो सूरत देखवला तो हमार मर हम उक देख बा। नहीं भाभी माँ, ऐसा नहीं करा, हम निर्दोष हैं। खाजी,
फिर हमार कोक सुन हो गए। छोटी बहू बहुत तपस्या कलीन है, बहुत तपस्या कलीन है। अगर उनसे कोनो गलती हो गई है तो माफ करती है, ये हमार बिनती है। विजय, हम लोग सब पुरानी बात भूल जाइबे और आपन जिंदगी दोबारा शुरू करबे। तू घरे चला, तोहार भैया तो देख के खुश होई है। चला बेटवा। हाँ छोटे बाबू, चला चला चला, चला।